साथियों नमस्कार। इस समय मैं कोल्हापुर में हूँ। यहाँ पर मेरे एक मित्र हैं सागर भाई, काफ़ी जानकार हैं ये खेती, फसल, बीज और इनका पूरा जो है ये जानकारी रखते हैं। तो मेरे कुछ सवाल थे इनसे, मैं वो पूछता हूँ, शायद हम सब के काम आएगा वो। नमस्कार सागर जी। नमस्कार सागर भाई, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सागर कोपालेकर, मैं ऐसे महाराष्ट्र कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर में मेरी पहली बीएससी एग्री यानी ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने दो थीसिस प्लांट पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में 4 साल काम किया। उसके बाद फिर बाहर निकला और कमर्शियली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ। ICAR में NAB नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिशन बोर्ड में मैं अभी जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया की एग्रीकल्चर की, उसमें एक्रेडिशन बोर्ड का मैं सदस्य हूँ। और उसके बाद कुछ सदस्य के समय के बाद मैं अभी डायरेक्टर बन चुका हूँ। बात अभी सर के साथ 2-4 दिन से है, तो खेती के बारे में कुछ उनकी समस्या है तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि वो कुछ जो समस्या है पूछ लें। सागर भैया, एक बात जो है मैंने इस बार महसूस किया है जी, हमारे यहाँ मैंने देखा मक्के को लेकर, अच्छा बीटी कॉटन वगैरह में इनमें तो जो दिक्कतें आ रही थी वो थी, लेकिन मक्के के अंदर इल्लियों का जो प्रकोप है जी वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है जी कि अब वो छोड़ने की स्थिति में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने देसी मक्का लगाया था जी, और उसके ऊपर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, एक भी स्प्रे नहीं करना पड़ा। जहाँ हाइब्रिड के ऊपर 10-10 स्प्रे के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रहा है जी, वहाँ देसी के ऊपर इल्ली आ ही नहीं रही है। तो इसकी वजह क्या है, देसी के ऊपर क्यों नहीं आती? देखिए, हमें भारत सरकार की भी 39 देशों के साथ अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमिटी है। जैसे ये 39 देशों में हमारे साइंटिस्ट जाते हैं अपने अपने विषय लेके और उनके साथ उनके साइंटिस्टों के साथ अपने अपने जो रिसर्च है उसको एक्सप्लोर भी करते हैं और उसको रिस्टडी करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो पिछले 5-6 साल में एक चीज़ जो उभर के आ रही है, वो चीज़ सबसे बड़ी उभर की चीज़ क्या आ रही है कि जो हम सीड के साथ जीनोम के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। जैसे एक रिसर्च पेपर में हमने पढ़ा था कि एक वाघ, ये शेर होता है, ये जंगल में हमने शेर की प्रजाति ख़त्म हो रही है, तो इसको हमने क्या किया कि शेर में कौन से तत्व है, ये गुण तत्व है जिससे शेर कुछ समय के बाद आलसी हो जाता है और आलस की अवस्था उसकी इतनी बढ़ जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो सो रहा है कि मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसकी उस अवस्था को कम करने के लिए शेर उसके कुछ गुणसूत्र को निकाला और जो सिंह होता है, सिंह उसके कुछ गुणसूत्र को निकाला और एक हाइब्रिड प्रजाति को पैदा किया दोनों के गुणसूत्रों से। तो हुआ क्या कि उसकी सोने की अवस्था जो है वो कम हो गई और आलस पर निकल गया। लेकिन दूसरी नेचर की सिस्टम को डिस्टर्ब करने से जो गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ क्या थी, वो फिर इतना खाने लगा क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम फेल हो गई। और वो डाइजेस्ट सिस्टम फेल होने से जो जानवर बना था वो जानवर ने इतना प्रकोप बनाया कि उसके बॉडी जब डाइजेस्ट यानी वो मर गया खा के, फिर उसके बॉडी से जो वायरल इन्फेक्शन निकला उससे उस जंगल में इतने पशु पक्षी मरे कि पूरे दुनिया को समझ में आया कि यार ये जो नेचर की सिस्टम है उसको छेड़ना सही बात नहीं है। क्योंकि नेचर ने करोड़ों सालों की मंथन सिस्टम से थोड़े थोड़े बदलाव से जो ये प्राणी मात्रा और सारी चीज़ें बनाई है उसको एक साथ मत बदला, नहीं तो आपके सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं आएगा लेकिन जो आपने बदला हुआ है वो सारे सिस्टम को बदलने लगेगा और फिर एक गड़बड़ आ जाएगी। यही सिस्टम एग्रीकल्चर में भी काम में आ रही है कि एग्रीकल्चर में हमने हमारे स्वार्थ के हेतु से 1974 में शुरुआत बनी इंडिया में हरित क्रांति की और मिस्टर स्वामीनाथन ने एक शुरुआत बनाई, एक पहल की कि इतने बड़ी आबादी का देश है, इतने बड़े आबादी को जिंदा रखना है तो कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भूखे मर रहे, 100 के पीछे 12 लोग मर रहे थे यानी 12% लोग बिना खाना ना मिलने की वजह से मर रहे थे। उन्होंने अच्छी पहल की और सिस्टम पूरे दुनिया में वो उससे साइंटिस्टों के साथ अपना काम आगे बढ़ाया और एक उभर के आई हुई एक पहली चीज़ थी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है।
तो पहली पहल सक्सेस हुई, और उसमें सक्सेस में एक हुआ कि जो हमारे पास सीड है, जो बियारन है, ये बिया सीड हमारे पास पुरखों से चला रहा सीड है, उसकी प्रोडक्टिविटी नेचर के साथ है, तो उसको उन्होंने पहली बार डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब ये सब मैं जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ कि डिस्टर्ब क्यों बोलता हूँ, नेचर नहीं बदला है खाली, लेकिन आपने सीड को चेंज किया, ये इसीलिए मैं उसको डिस्टर्ब शब्द यूज़ कर रहा हूँ। नेचर बदल के अगर आप उसको चेंज करते तो शायद मैं मुझे डिस्टर्ब बोलना नहीं लगता, लेकिन उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे भी लागू करी। जैसे हाइब्रिड सिस्टम आई, प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ पहुँचा। जैसे हमने पहले जाना होगा कि ज्वार थी, ज्वार 6 महीने में आती थी, उन्होंने उसके ऊपर छेड़छाड़ करके हाइब्रिड बनाया। पहली बार पहला ज्वार के ऊपर हाइब्रिडेशन हुआ, और हाइब्रिड हुआ तो हाइब्रिड 1.5-2 महीने में ही शुरुआत हुए आने में, 3 महीने का हाइब्रिड बना। तो ये 3 महीने का जो समय कट गया, इससे किसान लोग खुश हो गए। 4.5-5 क्विंटल के ऊपर ज्वार जा नहीं रही थी, और 6 महीने के बाद हाइब्रिड तो यहाँ से 8-12 क्विंटल तक आ गई, तो 3 गुना उत्पादन बढ़ा और समय भी बच गया आधे से, तो किसान खुश हो गए। तो सभी ने फिर उसके पीछे लगना चालू करा, यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई। सर का जो सवाल है, इधर से ही उसकी उगम स्थान है, ऐसे शुरुआत हुई तो मैकेनिज्म उल्टा घुमा कि सीड ने अपने पोलिनेशन प्रोसेस से नेचर को बदलने की शुरुआत की। उल्टा हुआ, नेचर को सीड को बदलना था, इधर उल्टी सिचुएशन हुई। आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए 2 ऐसी वैरायटी को इकट्ठा करके एक तीसरी ऐसी वैरायटी बनाई जो वैरायटी नेचर को मैच ही नहीं कर रही है, तो नेचर से वो खींच रही है पोषण, उसको बैलेंस नहीं कर रही है। तो ऐसी क्या होती है हाइब्रिडेशन सिस्टम, जिसमें दो तत्व, दो जीनोम को इकट्ठा करके एक हाइब्रिड गन से एक जीन को दूसरे जीन में इम्प्लांट किया जाता है। ये सिस्टम कैसे की जाती है, तो पोलिनेशन की अवस्था में मेल फीमेल पोलिनेशन के अवस्था के दौरान में एक ऐसी वैरायटी जो जीनोम से स्ट्रांग है, जो बॉडी उसकी कनकर है, और एक ऐसी वैरायटी जो हायर यील्ड देने के लिए तैयार है। तो हायर यील्ड देने वाली वैरायटी के 70% तत्व और 30% सस्टेन वैरायटी के तत्व को मिला के एक हाइब्रिड बनाने को पैदा किया जाता है। लेकिन ये साइंस भूल गया कि एनवायरमेंट इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि चेंज एनवायरमेंट तो चेंजेस कुछ नहीं है, वही एनवायरमेंट है। तो आपने बदलाव किए उसमें, एनवायरमेंट में क्या बदलाव है, कुछ नहीं। और इसका गड़बड़ ऐसी हुई कि जब एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आते हैं तो इस दो वैरायटी के जीनोम जो है वो मैच नहीं होते, तो दोनों तत्वों में कंपटीशन पैदा होता है, और इनर कंपटीशन की वजह से बॉडी स्टक मूवमेंट पे चली जाती है और वो ग्लूकोज अवस्था में ही फंस जाती है। तो ये ग्लूकोज अवस्था में फंसने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बॉडी पूरी तरह से ग्लूकोज स्थिति में रहती है और उसको मैच्योरिटी नहीं आती, और जैसे मैच्योरिटी नहीं आती है एक कीड़ा आ जाता है, यानी एक इंसेक्ट पैदा होता है, तो उसको खाने पर इतना मिल जाता है कि उसकी अवस्था 3 दिन में पूरी होने के वजह से बजाय वो 3 घंटों में पूरी होती है, तो दूसरी जन्म पैदा होती है, तो दूसरी की भी 3 घंटे में, तो तीसरी, तो एक दिन में 24 घंटे में उसकी 6-6 अवस्था पूरी होती है। तो एक दिन में तो 6 अवस्था के पूरा करता है, तो एक पैदा हुई ईयर एक दिन में 6 अवस्था पूरी करता है, तो वो 6,000 के ऊपर निकलता है कि 1 से 10 होंगे, 10 से डायरेक्ट 100 होंगे, तो 100 से 1,000 होंगे, 1,000 से 10,000 होंगे, तो 100 में कितना होगा। तो ये गड़बड़ है हाइब्रिड में। तो हाइब्रिड करना गलत नहीं है, नेचर के साथ हाइब्रिड करो, यहाँ की वैरायटी के साथ हाइब्रिड करो। आज की जो हाइब्रिड की स्थिति आदमी की, कंपनियों की और किसानों की, जो लालच और हवस जिस लेवल पे पहुँची है, ये हवस और लालच है, ये जो आप इंडिकेशन है कि नेचर से जो भी आपने खींचा है नेचर वापस अपने तरफ खींच रहा है। ये क्या होता है, नेचर से आपने क्या किया, ये हाइब्रिड सिस्टम ने क्या किया नेचर से, जितने भी देखिए साइंस ऐसा है, फिजियोलॉजी ये है कि वनस्पति को जितना भी अनाज चाहिए उसमें से 63% अनाज वो हवा और पानी से ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपने कहाँ से खींचा, ये स्पेस से खींचा। तो स्पेस क्या कर रहा है कि ऐसी गड़बड़ क्रिएट कर रहा है कि जैसे जो स्पेस में से खींचा वो स्पेस में वापस ले रहा है। ये स्पेस एनर्जी का रूल है, जो भी आप स्पेस से लोगे कुछ ही समय के बाद वो अपने आप निकाल देगा, तरीका अलग होगा, यही सिस्टम है। तो इसको समझो कि हाइब्रिड और जीन वैरायटी क्या है, इसका ये गड़बड़ है, बाकी कुछ नहीं है। साइंस को भी समझ में आया है, लेकिन एक साथ
आज की डेट में ऐसा हुआ है कि अभी एक साथ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी लोग भूखे नहीं मर रहे, अभी तो लोग खा खा के मर रहे, उल्टा हो गया साइंस। क्यों खा खा के मर रहे? क्योंकि खा रहे उसमें कोई क्वालिटी है नहीं, क्योंकि गुण तत्व नहीं। जो 6 महीने में बनने वाली चीज़ अगर 1.5 3 महीने में बन रही है तो वहाँ फाइबर के अलावा कुछ बन ही नहीं रहा है। कि क्योंकि बेसिक साइंस तो क्लियर है, नेचर भी क्लियर है, 100 kg हर चीज़ से 1% या 2% न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, और 100 kg न्यूट्रिएंट से 1 से 2% कुछ तत्व बनते हैं जो हमने शरीर को चाहिए। तो अगर आज 3 महीने में 100 kg बनाई नहीं तो 1% तत्व कहाँ से, अनाज न्यूट्रिशन कहाँ से बनेंगे, और 1 kg न्यूट्रिशन बने ही नहीं तो आपके तत्व शरीर को मिलेंगे कहाँ से? तो आज जो खा रहे हैं आप खाना, उसमें कोई गुण तत्व यानी न्यूट्रिशन बैलेंस सिस्टम नहीं है, और अननूट्रिशन सिस्टम आप खा रहे हैं उसमें खाली फाइबर है, बाकी पानी और फाइबर के अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सागर भैया।